सो हेलो गाइस, ये थर्ड संडे है. वी आर कमिंग हियर फॉर द थर्ड टाइम. और ये थर्ड संडे है जो काम चल रहा है. और एक्चुअली अभी काम लाइक मिड डे हो गया है. मैं व्लॉग शूट करना नहीं चाहता था, बट कुछ दिखाना था आप लोगों को कि हाँ, यहाँ पे अभी काम बहुत हैवी स्टार्ट हो गया है. जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ अभी आप लोगों को. सुबह से मेहनत कर रहे हैं. सुबह हम लोग आए थे, एक ट्रक लोड गिट्टी लेकर के आए, फिर बालू वगैरह काम किए, फिर सीमेंट वगैरह का काम है, फिर अभी बहुत सारा काम है अभी जो करना है. सो दिखाते हैं आपको. मैं ऐसी रिव्यू एक दिखा देता हूँ जगह का, कितना काम हुआ है और कितना बचा हुआ है. सो आपको अंदाज़ा लग जाए कि काम कितना बचा हुआ है और कितना होगा. अभी थके हुए हैं सब. सो लेटेस्ट में अभी ये ढलाई हुआ है. तो ये यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो. मेरा एक चैनल है, क्या नाम से है? क्रिश व्लॉग्स. सो मैं आप लोगों को जैसे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है. दिस इज द अदर हॉल. हाँ मिस्टर सर, कैसे हैं? काम चल रहा है. सो दिस इज द थर्ड कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन. दिस इज द फोर्थ. This is the fifth. This is the sixth. हाँ चलिए, अब मिस्त्री साहब अंदर जा रहे हैं गड्ढे के अंदर. सो अंकल यहाँ पे काम कर रहा है. अंकल अंकल अभी काट रहा है. दुख पाई ना पाए, काम करा दो. प्लेट टूटी हो ना, दुख ना पाए तो दुख ना पाए ना. अंकल यंगस्टर्स, हाउ इज जोश? सो अभी हम लोग का यूथ जो है वो पूरा टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है. I'm so tired, bro. He is so tired. कुछ बोलना चाहता है किसी को? और दिपे दिखे दो. हेलो. यस. समझ रहे हो आप? ये थर्ड संडे है, राइट? या. What about you, my bro? नहीं भाई, सब बढ़िया. सब बढ़िया. कुशल मंगल. सर राजू, राज भाई. ओके. एंड देन यहाँ पे हम लोग अभी बालू लोड करके वहाँ पे मसाला बना रहे हैं. दिस इज आवर डॉन, अमित डॉन. अमित छोटा वाला बच्चा उधर है. अमित गजब बेइज्जती है. यूट्यूब पे आएगा अंकल. क्या नाम से चैनल बनाया भाई? क्रिश व्लॉग्स. क्रिश व्लॉग्स. मेरा नाम कृष्णा है ना, तो मेरा नाम का हाफ नेम और व्लॉग्स मैंने वीडियो, तो क्रिश व्लॉग्स. आप लोग तो देख लिए हैं कि यहाँ पे कितना काम है और कितना काम चल रहा है. हम लोग यूथ लोग और प्लस जो मेंबर्स है वो लोग पिछले तीन संडे से काम कर रहे हैं. आज का संडे मिला के तीन होगा. मैं जो ये कपड़ा लगा रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत डट्टी हो गया था और कुछ स्टेंस लग गया, जो पीपल पेड़ काटे थे ना उसका स्टेंस लग गया. सो मैं चेंज नहीं करता और एवरी संडे में आज सोशल वर्क क्लॉथ में ये लगा लेता हूँ. सो आपको ये वीडियो में इस थर्ड संडे में यही क्लॉथ लगेगा और फोर्थ संडे फिफ्थ संडे में यही क्लॉथ लगा करके आऊँगा. सो अगर कोई यूथ देख रहा है मेरा वीडियो तो मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये फॉरवर्ड आए और काम में हेल्प करे. प्लस अगर कोई विलिंगली डोनेट करना चाहता है तो हम लोगों को अप्रोच करे. प्लस आपको को मैं काम दिखाई दिया कि काम कितना है और कितना काम बचा हुआ है. सो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी समाज सेवा में एक साथ हम लोग कम्युनिटी के नाम पर कुछ एफर्ट दिखाएँ और विलिंगली ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करें. सो
आई होप आपको काम दिख गया होगा अभी तक और आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना काम बचा हुआ है. तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना आदमी देखेगा और उतना हम लोगों को हेल्प और मदद मिल सकता है. Several months later. So, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी माटी का काम चल रहा है. एक्चुअली ये काम एक्स्ट्रा है बिकॉज यहाँ का जो बाउंड्री था वो कॉलेप्स कर गया था ड्यू टू लैंडस्लाइड. सो यहाँ पे भाई लोग काम कर रहा है. मंजू भाई, मंजू भाई इधर देखिए, ये हमारा मंटू है, ये हमारा ठाकुर भाई है, रोशन भाई हम है, ये लंबू है, डिगरॉन नहीं लंबू, डिगरॉन नहीं, ये पतंगी है, अच्छा वो अमित है, वो आरके, अच्छा और यहाँ पे माटी खुदाई हो रही है. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो आप लोग ने लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये जो जितना अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ था वो दिखाया नहीं था. सो दिस इज द टोटल कंस्ट्रक्शन जो अभी तक हुआ है. अच्छा मिस्टर साहब जी, तो ऊपर कैसे बनेगा? इतना तक तो बन गया, पिलर वाला ढलाई हो गया, ऊपर कैसे बनेगा अभी? बीम ढलाई होगा. अच्छा और आगे? उसके ऊपर भी पिलर ढलाई होगा. उसके ऊपर पिलर ढलाई होगा. अच्छा और ऊपर कैसे जाएगा? वो कैंची लगाएगा. कैंची यानी कि टीना. हाँ, अच्छा आप बताइए कुछ क्या हम? हाँ जी. अच्छा जैसे कि अभी हम लोग का जो है 10 फीट हो गया पिलर. हाँ. 1 फीट ढलाई करने के बाद जो है उसपे स्लैब बीम जाएगा. स्लैब बीम जाने के बाद जो है 4 फीट का प्लानिंग है पोर्ट ढलाई. अच्छा उसके बाद जो है कैंची फिटिंग होगा और उसके बाद जो है वो कैंची पार्लिंग जो भी हो वो से सीट का प्लानिंग होगा. अच्छा अच्छा ठीक है.